अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा हमारा आज लेक्चर 3 है, यूनिट 8 हीट, बुक पेज 77। आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेचर। व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। पुट मोर सिंपली, टेम्परेचर इज हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज। बेटा मैं आपको इजी वर्ड्स में बताऊं, इन इजी वर्ड्स वी कैन से दैट टेम्परेचर क्या है। किसी चीज का बेटा ये मेजर करना, किसी ऑब्जेक्ट का, कि कितना ये गर्म है, कितना ठंडा है, हाउ हॉट एंड कोल्ड समथिंग इज, ये कितना गर्म है और कितना ठंडा है। टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अ कप ऑफ वाटर एंड बकेट ऑफ वाटर कैन हैव द सेम टेम्परेचर। बेटा टेम्परेचर जो है ऑब्जेक्ट के साइज पर डिपेंड नहीं करता। कप ऑफ वाटर एक जो पानी का कप है, और अगर एक बकेट हो पानी की, उन दोनों का सेम टेम्परेचर हो सकता है। टू ऑब्जेक्ट्स एट द सेम टेम्परेचर कैन हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। बेटा दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं जिनका टेम्परेचर सेम है, उनका जो है डिफरेंट होगा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी का जो अमाउंट होगा वो उनका डिफरेंट होगा। बेटा फिर से रिपीट कर रही हूँ, दो ऑब्जेक्ट्स जिनका टेम्परेचर सेम होगा उनका डिफरेंट क्या होगा? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। उनका डिफरेंट क्या होगा? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। बेटा जो ये है, विच ऑफ दीज डू यू थिंक हैज मोर एनर्जी? आपकी बुक में है, पेज 77 पे ही है, ये आपका दिखा दूं मैं आपको। ए में बना हुआ है अ ग्लास ऑफ वाटर इन डायरेक्ट सनशाइन। बी है आपका अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फ्रीजर कंपार्टमेंट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। ये आप क्लास में आओगे, फिजिकल क्लास में आओगे, मुझे आप बताओगे। विच ऑफ दीज डू यू थिंक हैज मोर एनर्जी, ये आप मुझे बताओगे। और बेटा ये भी आपका होमवर्क है, आप फिजिकल क्लास में आओगे, मुझे ये भी बताओगे, व्हाट इज अ नॉर्मल टेम्परेचर फॉर अ ह्यूमन। बेटा मोस्ट स्टडीज हैव कॉल्ड द नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आप मुझे फिजिकल क्लास में आप बताओगे, इसका आंसर दोगे। आई होप यू अंडरस्टैंड माई एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।